सो वेलकम बैक गाइज। गाइज आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा 10वीं जो वैसे गणित का त्रैमासिक परीक्षा पेपर 2021 का है उसके गाइज हम आपको मोस्ट IMP क्वेश्चन बताएंगे। और गाइज जल्द से जल्द हम आपको इसका जो ओरिजिनल मतलब इसका पेपर जो है जो 90% आने के चांस रखता है वो भी गाइज हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर देंगे। सो गाइज हमने देखा नोटिस किया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो क्लास 10th से हैं वो गाइज वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक। सो गाइज सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपसे बोल दें कि जितने भी मतलब कि स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जाके गाइज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, है ना। जैसे हम किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के वीडियो डालें 10th की या किसी भी सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर डालें तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और आपको उसका सॉल्यूशन भी मिल जाए, है ना गाइज। तो गाइज सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन भी छात्रों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब भी जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके गाइज तो हम देखते हैं कक्षा 10वीं जो वैसे गणित है इसके मोस्ट IMP क्वेश्चन और जिसका पेपर है जो आ सकता है वो हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड कर देंगे। सो गाइज अभी देखते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले गाइज हम देख लेते हैं मतलब ब्लूप्रिंट क्या है, मतलब कि कौन कौन से चैप्टर से आने हैं। सबसे पहले तो गाइज आपका कुछ चैप्टर पोर्शन जो है तो आपका कुछ पोर्शन ब्रिज कोर्स से आएगा, आपको पता ही होगा, है ना। अभी गाइज देखते हैं चैप्टर वाइज कौन कौन चैप्टर आएंगे। तो आपका चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं, चैप्टर टू बहुपद, अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, अध्याय 4 द्विघात समीकरण और जो अध्याय 5 है समांतरण श्रेणियां, ये चैप्टर आएंगे। और साथ साथ अध्याय 6 भी आपका त्रिभुज आएगा, मतलब कि आपकी जो मैथमेटिक्स की बुक है उससे कुल 6 चैप्टर आएंगे। तो गाइज हम अभी आपको 6 चैप्टर के मोस्ट IMP क्वेश्चन दे देते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं गाइज अध्याय 1 से जो कि वास्तविक संख्याएं। तो अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं में सही विकल्प देख लीजिए आप। पहला है मोस्ट IMP सही विकल्प है आपके पेपर में, आपको इनमें से कोई एक सही विकल्प जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो गाइज इसमें पहला सही विकल्प है आपका 96/404 का SCF होगा, तो इसका आंसर है गाइज आपका V वाला यानी कि 4। यदि दो संख्याओं का गुणनफल 32/SCF 8 होता है LCM होगा, LCM होगा इसका 4। और यदि दो धनात्मक पूर्णांक P एवं Q अथवा P इज इक्वल टू AB स्क्वायर हो तो Q इज इक्वल टू A क्यूब और B हो तो LCM PQ होगा। तो गाइस थर्ड वाले का आंसर है आपका C वाला यानी कि ऑप्शन A क्यूब B स्क्वायर। ओके देन गाइस नेक्स्ट मोस्ट IMP क्वेश्चन में देखें तो खालिस्तान भरो है, करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय एवं अपरिमेय दोनों वास्तविक संख्याएं हैं, SCF AB मल्टीप्लाई LCM AB तो A मल्टीप्लाई B देन फोर्थ में जाएगा X² Y² देन गाइस आप सत्य सत्य पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, आपकी न सिर्फ तिमाही की तैयारी हो जाएगी बल्कि छमाही और जो वार्षिक पेपर है उसके लिए भी अच्छी तैयारी हो जाएगी। सो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा गाइज। सत्य सत्य के बाद हम देखते हैं एक शब्द है एक वाक्य में उत्तर। तो यहाँ पर यदि ए व बी दो प्राकृत संख्याएं हैं तब SCF एवं LCM में क्या संबंध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए आप, है ना, और इसके एक वाक्य में उत्तर आप सर्च कर सकते हो। इसके आंसर भी गाइस अभी आपको दिखा देते हैं। तो इसके जो आंसर है 5th वाला मतलब 4th है क्वेश्चन। देन क्वेश्चन नंबर 5th है आपका 672 और 120 का अभ्यास गुणनखंड विधि से SCF / LCM ज्ञात करो। सो 6 का LCM आप देख सकते हो 2 × 3, 72 का LCM देन गाइस 120 का LCM। ओके गाइस अभी क्वेश्चन नंबर 6 से देखें, यदि SCF 657 इज इक्वल टू 9 हो तो LCM 306 657 ज्ञात करो। तो LCM मल्टीप्लाई SCF करेंगे और गाइस जो भी आंसर आप देख लीजिए। देन क्वेश्चन नंबर 7th है, सिद्ध करो कि करणी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आप सिद्ध करिएगा कुछ उस टाइप से आपका आंसर आपके सामने है। देन गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शाइए कि 3 करणी 2 एक अपरिमेय संख्या है, है ना। देन गाइस नेक्स्ट IMP क्वेश्चन की ओर बढ़ें, तो क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, जाँच करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव है, बहुपद x²-3 के शून्यक हैं, बहुपद x² + x - 12 के शून्यकों का योगफल होगा। देन थर्ड है x² + ax + 2 का एक गुणनखंड है x + 1 है तो a का मान होगा। देन गाइस क्वेश्चन नंबर 4 है, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यक
अल्फा और बीटा हों तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। फिफ्थ क्वेश्चन आप देख सकते हो, और गाइज जिन सारे क्वेश्चन के आंसर हैं वो भी आपके सामने हैं, तो इन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हो। देन गाइज यहाँ पर रिक्त स्थान देखें तो फर्स्ट रिक्त स्थान है आपका द्विघाती बहुपद में खाली स्थान, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ आप देख सकते हो। ओके गाइज, देन नेक्स्ट इसमें जो IMP क्वेश्चन है 2 या 4 नंबर के लिए, तो आप पढ़ सकते हो, है ना, इसका आंसर भी देख सकते हो। ऐसे द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 की सुनने की याद करें तो इसका क्वेश्चन देख लीजिए गाइज आप, गलत है। देन गाइज इसका आंसर, और गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो फोर्थ क्वेश्चन है द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 की शून्य ज्ञात करें और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। तो इसका आंसर आप देख सकते हो कुछ इस टाइप से, आपको इसका जो सॉल्यूशन है वो एग्जीक्यूट करना है। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जाँच करें। ओके गाइज, देन गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका IMP, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यांक का योग -3 एवं गुणनफल 2 हो। तो इसका आंसर गाइज आप देख लीजिए। देन गाइज क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका शून्यांक का योग 1/4 एवं गुणनफल -1 हो। तो गाइज इसका आंसर भी आप देख सकते हो, मोस्ट IMP क्वेश्चन है, जरूर सॉल्व कीजिएगा इसे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आपके लिए तो एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसकी शून्यकों का योग एवं गुणनफल 1 हो, है ना, तो आप इसका आंसर भी देख सकते हो। ओके गाइज, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर 3 से लेने वाले हैं हम। चैप्टर 3 में गाइज आप सही विकल्प देख सकते हो जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आप पढ़ सकते हो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, पाउज करके फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। गाइज इसका जो PDF है हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में दे देंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर इस PDF भी चेक कर सकते हो। खालिस्तान देख सकते हो गाइज, जो मोस्ट IMP खालिस्तान है, तो फर्स्ट समीकरणों को जोड़कर या घटाकर हल करो की विधि विलोपन है, एक चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर हल करने की विधि प्रतिस्थापन है, समीकरणों से प्राप्त निर्देशांकों को ग्राफ में प्रदर्शित करने की विधि अलेखीय विधि है। गाइज क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सही जोड़ी बनाइए, तो आप इसके सही जोड़ी के आंसर देख सकते हो और प्रश्न भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा तो उसके उत्तर भी देख लीजिए वीडियो को पॉज करके। देन गाइज 70 देख लीजिए। एंड गाइज अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर की ओर, तो इसमें आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों का योग कोई हल नहीं है, मोस्ट IMP क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करो। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x - 3y = 4 प्रतिस्थापन विधि से हल करो। देन गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो आप पढ़ सकते हो, उसके बाद गाइज जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप वीडियो पॉज करके देख लीजिए सिंपली, रैखिक समीकरण युग्म s - t = 3 और जो भी आप चेक कर लीजिए। देन गाइज नेक्स्ट मोस्ट IMP क्वेश्चन है तो प्रतिस्थापन विधि से हल करो इस वाले क्वेश्चन को, है ना, इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हो। देन गाइज आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, हम वीडियो स्कॉल करते जा रहे हैं, है ना, सो आप क्वेश्चन देख सकते हो सारे के सारे। अभी गाइज चैप्टर 4 जो है द्विघात समीकरण, उसके आप IMP क्वेश्चन देख लीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। देन गाइस आपका चैप्टर नंबर नेक्स्ट है अध्याय 5 समांतर श्रेणी, तो इसमें जो मोस्ट IMP क्वेश्चन है सही विकल्प, आप सबसे पहले सही विकल्प देख सकते हो IMP, इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो आप सही विकल्प देख लीजिए। देन रिक्त स्थान जो रिक्त स्थान देख सकते हो, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए।
सही जोड़ी। फिफ्थ सिक्स्थ सिक्स्थ के बाद गाइस आप सेवन्थ क्वेश्चन टिक कर लीजिएगा अपनी बुक में, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जी, हर साल पूछा जाता है चैप्टर फाइव से। देन गाइस क्वेश्चन नंबर एट देख सकते हो आप। देन गाइस आप नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो जैसे नाइन्थ टेंथ टेंथ के बाद एलेवंथ जो भी हैं गाइस, इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी हम चैप्टर सिक्स के जो आईएमपी क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो आप चैप्टर सिक्स के आईएमपी क्वेश्चन में देख सकते हो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। और आपका जो इसका मतलब पेपर है जो आ सकता है ओरिजिनल रियल वाला, वो हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर देंगे। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हम जब भी आपका रियल पेपर डालें क्लास टेंथ मैथ का आपको सबसे पहले मिल जाए। सो गाइज सब्सक्राइब एंड जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।